बेटा आज हम चौपाई करेंगे। छंद हो चुके हमारे, दोहा हो चुके और चौपाई। बेटा छंद में ही हमारे दोहा और चौपाई आते हैं, ठीक है। तो आज हम चौपाई करेंगे। चौपाई की परिभाषा देखो बेटा, चौपाई एक मात्रिक छंद है, ठीक है। क्या है? मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगन तथा तरण नहीं आने चाहिए। जब बेटा हमने छंद किए थे तब हमने जगन तगन यमक ये सब कुछ हमने किया था। तो संकल के बाद संकल और विषंकल आना चाहिए, ठीक है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। इसके अंत में चरण के अंत में जगन तथा तगन नहीं आने चाहिए। संकल के बाद संकल और विषंकल आने चाहिए। जगन और तगन क्या है बेटा? तगन देखो बड़ा, लघु गुरु और लघु ये नहीं आने चाहिए जब चरण खत्म होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए तालिका लिखी हुई है। कन कन किन 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 नुपुर ध्वनि सुनी, ठीक है। देखो अनुस्वार से पहले हमने क्या बताया था? बड़ा हो जाता है गुरु, और ये क्या हो गया? लघु, और ये क्या हो गया? लघु। इसमें भी अनुस्वार बड़ा हो कि छोटा हो और रह, तो बड़ा
लघु, सॉरी गुरु। तो ये क्या हो गया, 16 मात्राएं हो गई। अगर हम इसमें काउंट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें 16 मात्राएं हो गई। फिर देखो मनसा, इसमें दो लघु है और एक गुरु है, इसमें ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ये क्या हो गई, छोटी की मात्रा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम दीर्घ मानेंगे संयुक्त वाक्य के साथ। तो ये गुरु हो गया और ये वह क्या हो गया बेटा, लघु हो गया। विजय में छोटी की मात्रा, विजय में तीनों क्या हो गए, लघु हो गए। और इसमें क्या है बेटा, चांद बिंदी है, तो चांद बिंदी किसमें होते हैं, लघु में माने जाते हैं। और जब बिंदी आती है बेटा वो गुरु में काउंट होते हैं। की नहीं, तो इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और इससे पहले क्या है ये, तो इसको हम गुरु बनाएंगे और ये पीछे वाला भी गुरु है, घी, ठीक है। बड़ी ए की मात्रा तो घी हो गया। देखो 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो हमारी कितनी मात्राएं होगी बेटा, ये 16 मात्राएं। जैसे इसमें बताया है, परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। जगत तगत नहीं आने चाहिए अंत में, क्या नहीं आने चाहिए, देखो हमारा दो गुरु और एक लघु अंत में हमारे किसी में भी नहीं है, ठीक है। और नहीं जगत है, एक लघु, एक गुरु और एक लघु, हमारे चरण जो चरण है इसके अंत में जगत और तगत नहीं है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये चौपाई